नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां खनिज अधिकारी ने सरकार को महीने भर में करोड़ों का चूना लगाया है। बिना नीलामी के 15 करोड़ का खनिज बेचा। प्रमुख सचिव नीरज मंडोई के पास इसको लेकर शिकायत पहुंची है। रॉयल्टी में कालाबाजारी का भी मामला उजागर है। टीकमगढ़ में पदस्थ है खनिज अधिकारी SZ अली। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां खनिज अधिकारी ने सरकार को महीने भर में करोड़ों का चूना लगा दिया है। बिना नीलामी के 15 करोड़ का खनिज बेच दिया। प्रमुख सचिव नीरज मंडोई के पास इसे लेकर अब शिकायत पहुंची है। रॉयल्टी में कालाबाजारी का भी मामला उजागर हुआ है। टीकमगढ़ में पदस्थ है खनिज अधिकारी SZ अली। इस पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता विवेक पांडे। विवेक, खनिज अधिकारी ने सरकार को एक महीने के अंदर करोड़ों का चूना लगा दिया और सरकार को इसकी जान भनक भी नहीं लगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति सबके सामने है और मध्य प्रदेश पे करीब 3,75,000 रुपए का करोड़ का कर्ज है और ऐसी स्थिति में सरकार लगातार आज राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए कई नए बदलाव किए जा रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि माफियाओं पे सख्त कार्रवाई की जाए। लिहाजा टीकमगढ़ में सरकार के निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है और दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी शिकायत प्रमुख सचिव खनिज नीरज मंडोई के पास पहुंची है और खनिज अधिकारी ZS अली के खिलाफ शिकायत है कि रॉयल्टी में कालाबाजारी और इसके साथ हाल ही में जब्त किए स्टॉक को बिना नीलाम किए ही बेच दिया गया और करीब सरकार को 15 करोड़ रुपए का नुकसान एक महीने में हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खनिज विभाग ने ही खुद अवैध रूप से स्टॉक को जब्त किया था जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए से अधिक है और 15 करोड़ की कीमत सिर्फ सरकार की रॉयल्टी की ही है जिसे खुलेआम बेच दिया गया। इस पर किसी तरीके की कोई एक्शन खनिज अधिकारी नहीं लिया और जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जो शिकायत में कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि खनिज अधिकारी के सांठगांठ माफियाओं से है और इसी के चलते अवैध रूप से परिवहन हो रहा है और जिस स्टॉक की नीलामी करने की जिम्मेदारी खनिज अधिकारी की थी उन्हीं के संरक्षण में माफियाओं ने पूरा स्टॉक खाली कर दिया। करीब लाखों जो मैट्रिक टन स्टॉक जब्त किया गया था उसे चंद महीनों के अंदर ही माफियाओं ने आधा कर दिया, यानी कि सरकार को कुछ ही महीनों के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में खनिज के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज़्यादा राजस्व जिस जिले से मिलता है वो खनिज का टीकमगढ़ है और टीकमगढ़ में खनिज अधिकारी का रवैया इस कदर है कि सरकार को पिछले कई महीनों में करोड़ों रुपए का चूना लगा है। एक जो सबसे दिलचस्प बात है कि रॉयल्टी के नाम पे भी कालाबाजारी की जा रही है। हमारे पास कुछ सबूत है, उसमें ये बताया उसमें उन दस्तावेजों में ये जिक्र है कि उदाहरण के तौर पर टीकमगढ़ से यूपी का एक बॉर्डर जिला है ललितपुर, वहाँ पर सरकार के जो सरकार ने जिन लोगों को लाइसेंस दिया है जिनके स्टॉक है या फिर जिनकी खदानें हैं इसके लिए बाकायदा ETP पास जारी किया जाता है और ETP पास के जरिए ही वाहन को अनुमति मिलती है कि वो दूसरे जिले में प्रवेश करे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीकमगढ़ से ललितपुर की दूरी महज 70 किलोमीटर है लेकिन सरकार को जो राजस्व दिया जाता है उसमें दूरी बताई जाती है 750 और 800 किलोमीटर, यानी कि एक बार सरकार को राजस्व देने के बाद किलोमीटर की संख्या ज़्यादा बताकर अवैध रूप से जो परिवहन कर सकते हैं उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है और इसमें भूमिका ZS अली की है क्योंकि खनिज अधिकारी की जिम्मेदारी है कि टोल नाकों के साथ साथ जो खनिज के बैरियर लगे हुए हैं वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग की जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं आरोपों के चलते आगरमालवा और झाबुआ से भी अली को हटाया गया था। इस पूरे मामले में सरकार जरूर संज्ञान ले सकती है क्योंकि मामला सरकार के राजस्व से जुड़ा हुआ है और इस मामले में भी कलेक्टर को गुमराह करने की कोशिश खनिज अधिकारी ने की है। सुभाष कुमार द्विवेदी काफ़ी साफ छवि के अधिकारी हैं लेकिन खनिज अधिकारी के रवैये के चलते उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल प्रमुख सचिव तक शिकायत पहुंची है, माना जा रहा है कि जल्द से जल्द अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो सकता है क्योंकि सरकार के राजस्व को नुकसान का ये पूरा मामला है और जो दस्तावेज निकल के सामने आए हैं जिस तरीके से रॉयल्टी में कालाबाजारी धांधली जैसी शिकायतें हैं इस मामले में जरूर एक्शन होना तय है।
अब बिल्कुल विवेक, इसमें एक्शन होना बिल्कुल तय, और अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। विवेक, एक सवाल ये भी उठता है, वैसे ही अवैध उत्खनन के जो मामले हैं वो प्रदेश में चरम पर, और ऐसे में जब खनिज अधिकारी इस तरह से सरकार को चूना लगाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो ऐसे में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का क्या भविष्य होगा? देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सरकार कर्ज के तले दबे है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार की आय बढ़ाई जाए, लेकिन अधिकारियों की संलिप्तता के चलते सरकार को राजस्व जो मिलना चाहिए वो फिलहाल पहुंच नहीं पा रहा है। और ये टीकमगढ़ जिले का इकलौता मामला है जहां से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, माइनिंग में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टीकमगढ़ जिले से मिलता है। ऐसे कई जिले हैं जिसमें टीकमगढ़ शामिल है, यहां से करोड़ों रुपए सरकार के खजाने में पहुँचता है, लेकिन सरकार के खजाने में ही सेन लगाने वाले अगर अधिकारी शामिल रहें तो ऐसे में स्थिति ये बनेगी कि सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। और जिस तरीके की ये करतूत उजागर हुई है, ये माना जाएगा कि सरकार इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अली के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि आगर मालवा और झाबुआ में रहते हुए अली के खिलाफ ऐसे ही कई शिकायतें मिली थी जिसके बाद उन्हें हटाया गया। अब टीकमगढ़ जिले में भी अली का यही रवैया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो राजस्व के अधिकारी है उन्होंने भी जब इस बात की जानकारी कलेक्टर को दी तो खनिज अधिकारी ने इस मामले में उन्हें गुमराह किया, क्योंकि जो शिकायत करता है उसने प्रमुख सचिव को ये जरूर बताया है कि किस तरीके से धांधली की जा रही है और कागजों में कालाबाजारी करके सरकार को रॉयल्टी के साथ साथ अवैध परिवहन की भी शिकायत की है, जिसमें ये साठगांठ के आरोप अली के खिलाफ लगाए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी। तो बता दें, वैसे ही मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है। आर्थिक स्थिति की अगर बात की तो लगातार जो सरकार है वो कर्जा ले रही है, और उसके बाद एक जिम्मेदार विभाग के अधिकारी ने जिस तरह से सरकार के नाक के नीचे सरकार को चूना लगाए, अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले भविष्य में सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है ताकि इस तरह का जो भ्रष्टाचार है वो ना हो सके, और जो राजस्व लगातार जो सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि जो कर्जा है वो सरकार निकाल सके और जो तमाम योजना है वो सुचारू रूप से चल सके, जो जनता के हित में जो सुविधाएं दी जाती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं वो उन तक पहुंच सके। लेकिन जब खनिज अधिकारी इस तरह से सरकार को चूना लगाते तो कई तरह के सवाल अपने आप में खड़े होते हैं, और देखिए किस तरह से यहाँ पर महीने भर में ही करोड़ों का चूना सरकार को लगा दिया गया, बिना नीलामी के ही 15 करोड़ का खनिज जो है वो बेच दिया गया प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के पास, जिसे लेकर अब शिकायत पहुंची है। रॉयल्टी में कालाबाजारी का भी मामला उजागर हुआ है। टीकमगढ़ में पदस्थ हैं खनिज अधिकारी SZ अली, और इससे पहले भी इनके ऊपर कई तरह के जो मामले हैं वो उजागर हो चुके हैं, और अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ एक्शन सरकार की ओर से लिया जाएगा।